वेलकम बैक माई चैनल। आई एम नेहा एंड टुडे आई एम गोइंग टू लर्निंग अबाउट फॉर ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन्स एंड ज्वाइंट। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन ऑल अबाउट फॉर ट्यूबरक्लोसिस इन बोन एंड ज्वाइंट। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस होता कैसे है। मेनली जब भी हम कोई भी पेशेंट के ऐसे जो भी पेशेंट होगा जिसको टीबी पहले से हुआ है उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं जब हम उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। जैसे कि हम ड्रॉपलेट्स हो गई और ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ गए, तो इन सारी ऐसे बहुत सारी सोर्सेस होते हैं जिससे कि वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। जब हमारी बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस एंटर करता है तो वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करने के बाद लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है, उसके बाद हमारी बोन्स को, जॉइंट को अफेक्ट करता है, उसके बाद हमारा जो कॉमन साइट होता है वो जैसे कि स्पाइन हो गया, स्पाइन को अफेक्ट करेगा, फिर हमारे हिप को अफेक्ट करेगा, नी को अफेक्ट करेगा एंड एल्बो। तो एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक बेस होता है उसका स्प्रेड करने का। सो ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। और हमारे जो स्पाइन होता है मोस्ट कॉमनली साइट होता है, मीन्स वहाँ पे कम से कम 50% केसेस होते हैं जो स्पाइन के आते हैं हमारे पास। सो देखते हैं क्या है जनरल कंसीडरेशन। टीबी इज स्टिल ए कॉमन इन्फेक्शन डेवलपिंग कंट्रीज। प्राइमरी साइट लंग्स एंड लिम्फ नोड, सेकेंडरी साइट्स बोन्स एंड जॉइंट। जबकि अभी हमने आपको बताया था लंग्स में लिम्फ नोड जो पहले होता है उसके बाद हमारे बोन्स एंड जॉइंट भी स्प्रेड करता है। स्पाइन इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बोन एंड ज्वाइंट ट्यूबरक्लोसिस, कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 50% केसेस। मोस्ट कॉमन साइट स्पाइन होता है, उसके 50% केसेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी हिप, नी एंड एल्बो। ट्यूबरक्लोसिस ऑस्टियोमेलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस ऑस्टियोमेलाइटिस क्या होता है कि हमारे जो बोन होती है बोन की साफ्ट पे देखने को मिलता है, बोन की साफ्ट एंड एंड पे देखने मिलता है, जो हमारी लॉन्ग बोन होती है। तो मेनली हमारे अफेक्ट करता है मेटाफाइसिस को, मेटाफाइसिस को अफेक्ट करता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है और न्यूट्रन सप्लाई होती है, तो वहाँ डायरेक्टली हेमेटोजेनेसिस से स्प्रेड कर जाता है। ट्यूबरक्लोसिस ऑस्टियोमेलाइटिस मोर कॉमनली अफेक्ट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन एंड मेनली अफेक्ट द मेटाफाइसिस। तो ये हमारा हो गया एक जनरल कंस्टिट्यूशन, ट्यूबरक्लोसिस होता कैसे है, कौन कौन से साइट पे अफेक्ट करता है, कैसे बॉडी में स्प्रेड करता है। सो नेक्स्ट हम इसके देखते हैं एटियोपैथोजेनेसिस क्या होती है। एटियोपैथोजेनेसिस में जो हमारा कॉमन कॉज होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके इसी से हमारी बॉडी में टीबी हो जाता है। एंड ये ऑलवेज हमारा प्राइमरी जो साइट होती है वो लंग्स एंड लिम्फ होते हैं, एंड सेकेंडरी साइट्स होती है वो हमारी बोन्स एंड जॉइंट होते हैं। तो यही इसमें लिखा हुआ है, कॉमन कॉजेटिव एजेंट होता है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड बोन्स एंड जॉइंट टीबी इज ऑलवेज सेकेंडरी एंड प्राइमरी फोकस इन लंग्स एंड लिम्फ नोड। प्राइमरी लंग्स पे और लिम्फ पे, उसका सेकेंडरी जो होता है वो बोन्स एंड जॉइंट। और मोड स्प्रेड का क्या होता है कि हेमेटोजेनेसिस होता है, हमारे ब्लड वेसल्स के द्वारा स्प्रेड करता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोलॉजी क्या है, कैसे क्या क्या इसकी पैथोलॉजी हो गई और कैसे ये स्प्रेड कर रहा है। सो इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे लंग्स में जब ट्यूबरक्लोसिस होता है तो हमारा लंग्स एक रिस्पॉन्स देता है, लंग्स जो रिस्पॉन्स देता है जैसे कि एक हो गया प्रोलीफ्रेटिव एंड एक्सुडेटिव रिस्पॉन्स, तो उसी टाइप का रिस्पॉन्स हमारे जब भी बोन्स एंड जॉइंट में होता है ट्यूबरक्लोसिस, तो हमारा बोन भी जो साइनोबियल टिश्यूज होते हैं वो भी उस टाइप का ही रिस्पॉन्स देते हैं जैसे कि सेम एज लंग्स। सो प्रोलीफ्रेटिव में क्या होता है कि हमारे एक साइन होता है, रिस्पॉन्स होता है कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, बहुत सारे फिब्रोसिस और देखने को मिलता है। तो ये हमारा एक साइन होता है ट्यूबरक्लोसिस होने का, हमारा लंग्स इसका रिस्पॉन्स देता है। एंड एक्सुडेटिव रिस्पॉन्स में क्या होता है कि हमारे इम्यून डिफिशियंट होता है, कोई भी पर्सन होता है वो इसके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है, एंड जो भी पर्सन होता है वो ल्यूकेमिया से सफ़र कर रहा होता है, ल्यूकेमिया जैसे पहले से ही कोई डिजीज उसे हुई होती है एंड उसमें नेक्रोसिस देखने को मिलता है, तो इस टाइप के साइंस सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। रिस्पॉन्स देता है हमारा लंग्स सेम एज हमारी बोन्स एंड जॉइंट भी उस टाइप का रिस्पॉन्स देते हैं। ट्यूबरक्लोर इन्फेक्शन ऑफ बोन एंड साइनोबियल टिश्यू प्रोड्यूस सिमिलर रिस्पॉन्स एज इट प्रोड्यूस इन लंग्स, मीन्स हमारा ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन जब बोन में होता है तो हमारा वही सिमिलर रिस्पॉन्स देते हैं जैसा कि लंग्स में प्रोड्यूस होता है। द रिस्पॉन्स में भी प्रोलीफेटिव एंड एक्सुडेटिव, जो रिस्पॉन्स होता है प्रोलीफेटिव एंड एक्सुडेटिव टाइप का होता है। सो प्रोलीफ्रेटिव रिस्पॉन्स में क्या है कि क्रोनिक डर्मेटाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाता है, लॉट ऑफ फिब्रोसिस इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, तो ये हमारा एक रिस्पॉन्स होता है।
एंड फिर नेक्स्ट इज वहाँ पे क्या होगा कि इम्यून डिफिशेंट होता है, पीपल सफर कर रहा होता है ल्यूकेमिया से, एंड सीसे से नेक्रोसिस होता है, एक्सटेंसिव पस फॉर्मेशन हो जाता है उस एरिया पे जहाँ भी लिम्फ में जो हमारे लंग्स में ट्यूबर क्रोसिस हुआ होता है, तो वहाँ पे इस टाइप के हमें साइंस देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यही सिम्टम हमारी बोन एंड ज्वाइंट में भी देखने को मिलते हैं हमारे साइनोबियल टिश्यूज के अंदर। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी नेचुरल हिस्ट्री क्या रही है कि ये कैसे होता है और कैसे स्प्रेड करता है, कौन कौन से टिश्यूज को अफेक्ट करता है और इसमें क्या क्या न्यू चेंजेस देखने को मिलते हैं, सारा कुछ देखते हैं। जब भी हमारी कोई बोन होती है वो अफेक्ट हो जाती है, कोई भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ पे मेनली हमें और जल्दी स्प्रेड होने के चांसेस देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे ट्यूबर क्रोसिस और जल्दी से वहाँ पे रैपिडली फास्ट स्प्रेड हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कोई इन्फ्लामेशन मीन सॉरी जैसे ही कोई अफेक्टेड हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तो वहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन एक प्राइमरी शाइन होता है हमारा और वहाँ पे नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, सेसेशन देखने को मिलेगा, जिससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है इसमें हमारे जो बोन है वहाँ डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, हमारी बोन को हमारे टिश्यूज को मिनरल्स नहीं मिलते हैं एडिक्वेट अमाउंट में, जिससे क्या होता है कि हमारी जो बोन होती है वो अफेक्टेड हो जाती है और जो हमारे वहाँ पे गैलेटस टिश्यूज होते हैं वहाँ पे पस बनने लगता है। पस बनने लगता है वो हमारे जो एक वे होता है सॉफ्ट टिश्यू का एंड सब पेडोस्टियल सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसके उस वे से उस क्योंकि वहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं डीमिनरलाइज हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, तो उस वे से हमारे वहाँ पे टिश्यूज के एरिया में जितना भी जहाँ पे भी अफेक्ट हुआ है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हुआ है तो उस एरिया पे पस बनने लगता है। वो पस क्या होता है, वर्स्ट हो जाता है। वर्स्ट हो जाने के बाद जो कोलैप्सिस बनता है वो वर्स्ट हो जाता है और स्प्रेड कर जाता है साइनोसिस फॉर्म में। तो ये हमारी नेचुरल हिस्ट्री होती है और भी आगे पॉइंट्स हैं और क्या होता है इसमें। सो ये तो हमारा टिशूज के बारे में था कि टिशूज की क्या हिस्ट्री रहती है और जॉइंट की भी इसमें हिस्ट्री देखने को मिलती है। जॉइंट में क्या होता है कि वहाँ पे जो साइनोबियल मेम्ब्रेन होती है वो ठीक हो जाती है। जब साइनोबियल मेम्ब्रेन ठीक हो जाती है तो वहाँ पे जो हमारे पार्जालिक अर्थराइटिस हो गया मीन्स जॉइंट पे जो अर्थराइटिस है यदि, तो वहाँ के जो एंजाइम होते हैं एंजाइम क्या करते हैं वो एक कॉज क्रिएट कर देते हैं, सीवियरली डिस्ट्रक्शन कर देते हैं हमारे आर्टिकुलर कॉटलेज का। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये कॉटलेस है बोन के बीच में, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होने लगता है क्योंकि पहले से ही हमारा जो पायोजेनिक अर्थराइटिस है हमारे जॉइंट पे, तो इन्फेक्शन होता है वो डिस्ट्रक्शन कर देगा और वहाँ की जो साइनोबियम मेम्ब्रेन होती है वो इन्फ्लामेट हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा और हमारे जो बोन के जो आर्टिकुलर सरफेस पे जो कॉटलेस है उस कॉटलेस को वहाँ से वो डिस्ट्रॉय कर देती है पेरीफेरी जो होता है और हमारे जो कॉटलेस जो पेरीफेरी से इन्फ्लामेटरी साइनोबियम का साइन जो दिखता है उसे हम पेनिस बोलते हैं। पेनिस क्या होता है कि हमारे जो भी यहाँ पे जो आर्टिकुलर सरफेस हुई यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिला साइनोबियल फ्लूइड में साइनोबियल मेम्ब्रेन पे, तो वो हमारा क्या होता है पेनिस बोलते हैं। तो जो पेनिस होता है वहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहाँ का जो कैप्सूल है जॉइंट का लिगामेंट है वो थोड़ा सा लैक्स हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, लैक्स होने की वजह से वहाँ को वो सबलेक्शन हो जाता है। सबलेक्शन होने से वहाँ पे और ज़्यादा जो कोल्ड एप्सिस फॉर्म था वो डिस्चार्ज हो जाता है, साइनसिस फॉर्म में वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये हमारी नेचुरल हिस्ट्री होती है जॉइंट पे। तो हम आपको दिखाते हैं जैसे कि इन्फ्लामेशन रिजल्ट इन लोकल टैबुलर नेक्रोसिस एंड सेसेशन। जैसे ही कोई पैथोलॉजिकल इंजरी होती है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको वो क्यों होता है क्योंकि वहाँ पे टैबुलर नेक्रोसिस होती है और सेसेशन होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। बोन क्या होता है डीमिनरलाइजेशन हो जाता है अगर बिकॉज ऑफ इंटेंस लोकल हाइपरेमिया। क्यों हो जाता है जहाँ पे उस एरिया पे हाइपरेमिया हो जाने की वजह से हमारे बोन में डीमिनरलाइजेशन हो जाता है। द कॉर्टेक्स ऑफ बोन गेट इरोडेड एंड इन्फेक्टेड ग्रैनुलेशन टिश्यूज एंड पस फाइंड देयर वे टू सब पेरोस्टियल एंड सॉफ्ट टिश्यू पे। में से एक जो वे होता है सब पेरोस्टियल एंड सॉफ्ट टिश्यूज का वहाँ से पस फाइंड हो जाता है और हमारे जो कॉर्टिक्स होते हैं वो उनके वहाँ पे स्प्रेड कर जाता है। दे प्रेजेंट एज ए कोल्ड एब्सिस एंड मे बर्स्ट आउट टू फॉर्म ऑफ साइनसिस। तो उस एरिया पे जो कोल्ड एब्सिस बनता है कोल्ड एब्सिस मीन्स होता है वहाँ पे पस फॉर्म हो जाता है, पस फॉर्म होके हमारी बॉडी में हमारे जॉइंट में स्प्रेड कर जाता है और वो इन्फेक्टेड पस होता है जो और अदर टिश्यूज को उसमें इन्वॉल्व कर लेता है।
कोल्ड एब्सिस एंड मे बर्स्ट आउट टू फॉर्म ऑफ साइनसिस, तो बर्स्ट हो जाता है और साइनसिस फॉर्म कर देता है। तो ये हमारा ओवरऑल था ज्वाइंट टिश्यूज के बारे में कि कैसे इन्फेक्टेड होता है। इन्फेक्टेड होने के बाद हमारे टिश्यूज में जो इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, सेसेशन देखने को मिलता है, नेक्रोसिस हो जाता है, हमारे टिश्यूज होते हैं डीमिनरलाइज हो जाते हैं और पस फॉर्म हो जाता है। पस फॉर्म होने के बाद वो क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है और बर्स्ट होके वहाँ पे एक साइनसिस के फॉर्म में बर्स्ट हो जाता है, स्प्रेड कर जाता है। तो हमारे टिश्यूज के अंदर ये प्रोसेस होती है, इसकी हिस्ट्री होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो थिक हो जाती है, यूजली इन द फॉर्म ऑफ लो ग्रेड साइनोवाइटिस। मीन्स साइनोवियल मेम्ब्रेन पे जो होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है विद थिकनिंग ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, थिकिंग होने का मीन्स वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। एंड पायोजेनिक अर्थराइटिस वेयर कॉज सीवियर अर्ली डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कॉटलेज। जब हमारा पायोजेनिक अर्थराइटिस होता है तो वहाँ पे वो क्या कर देता है, एक सीवियर डिस्ट्रक्शन करता है हमारे जो आर्टिकुलर कॉटलेज होते हैं, आर्टिकुलर सरफेस में जो बोन के ज्वाइंट के बीच में जो कॉटलेज होता है वहाँ पे सीवियर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलने लगता है। सो नेक्स्ट इज द साइनोबियम इज इन्फ्लाम इन स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द कॉटलेज फ्रॉम पेरिफेरी, दिस इज कॉल्ड पैनेज। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था जो हमारी साइनोबियल मेम्ब्रेन होती है वो इन्फ्लामेट हो जाती है और कॉटलेज होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पेरिफेरी, तो उसे हम पैनस बोलते हैं, उस प्रोसेस को पैनस बोलते हैं। द आर्टिकुलर कॉटलेज इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द ज्वाइंट गेट्स डिस्टेंडेड विथ पस। जो हमारा आर्टिकुलर कॉटलेज होता है वो पार्शियली डिस्ट्रॉय हो जाता है, सॉरी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पे पस फॉर्म होने लगता है। पस क्या होता है, एक्सटेंड होने लगता है। ज्वाइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट बिकम लैक्स एंड ज्वाइंट में गेट सब लैक्स। जो हमारा ज्वाइंट और लिगामेंट होते हैं वो क्या होता है, लैक्स हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कॉर्टलेज होता है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। कॉर्टलेज हमारी बॉडी को, हमारे ज्वाइंट को सपोर्ट देता है, वेट बियरिंग करता है। जब वही डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो हमारे जो ज्वाइंट है, लिगामेंट है, तो वो लैक्स हो जाएंगे। लैक्स हो जाएंगे तो सबलक्शन बहुत जल्दी होने के चांसेस हो सकते हैं। सबलक्शन हो गया, डिसलोकेशन हो गया, तो सबलक्शन हो जाएंगे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज पस एंड डिबिस बर्स्ट आउट ऑफ द ज्वाइंट कैप्सूल टू फॉर्म कोल्ड एब्सिस एंड सब्सिक्वेंटली क्रॉनिक डिस्चार्ज साइनसिस। तो क्या होता है, पस और जो डिब्रिस बनता है, कोल्ड एब्सिस हो गया, पस हो गया, जो डिब्रिस हो गए वो क्या करते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट हो जाते हैं हमारे ज्वाइंट जो कैप्सूल है उसके आउटसाइड। सपोज कर लेते हैं ये हमारा ज्वाइंट हो गया, तो यहाँ पे क्या है, कॉटलेज है, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब डिस्ट्रक्शन हो गया कॉटलेज में, तो यहाँ से जो पस बनता है, पस क्या होता है, आउटसाइड स्प्रेड कर जाता है फॉर्म साइनसिस के फॉर्म में। एंड ये क्या करता है, क्रोनिक डिस्चार्ज करता है, इसे हम साइनसिस बोलते हैं। डिस्चार्ज होने लगता है हमारे कैप्सूल्स के आउटसाइड और ये अदर हमारे साफ्ट को, हमारे हैंडेड को अफेक्ट करता है। तो हमारा हो गया ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी हीलिंग प्रोसेस क्या होती है। सो हीलिंग में क्या हुआ होता है कि यदि हमारा ज्वाइंट जो होता है उसमें फिब्रोसिस हुआ होता है, फिब्रोसिस होने की वजह से हमारे जो ज्वाइंट होता है कम्प्लीटली उसमें उसके जो फंक्शंस होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। यदि हमारे कॉटलेज को डिस्टर्ब हुआ होता है तो हमारे जो मूवमेंट होते हैं वो लिमिटेशन हो जाते हैं, कम्प्लीटली लॉस हो जाएंगे और जो ज्वाइंट होता है उनके बीच में एक मोनी एंकलोसिस फॉर्म हो जाता है। यदि फिब्रोसिस हुआ होता है तो फिब्रोसिस एंकलोसिस हो जाता है। एंड यदि हमारे जो कॉटलेज डिस्टर्ब हुआ होता है तो हमारे जो ज्वाइंट का स्पेस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, स्पेस होता है बिल्कुल कम हो जाता है, नैरोइंग स्पेस हो जाता है, क्योंकि डिस्टर्ब आते हैं हमारे आर्टिकुलर कॉटलेज, तो स्पेस कम्प्लीटली लॉस होने की वजह से वहाँ पर जो बोनी एंकलोसिस फॉर्म हो जाता है। सो हम देखते हैं क्या है इसमें, इट अकर बाई फिब्रोसिस विच रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लिमिटेशन और नियर कम्प्लीट लॉस ऑफ ज्वाइंट मूवमेंट। यदि फिब्रोसिस हुआ होता है तो क्या होता है, इसमें लिमिटेशन हो जाता है और कम्प्लीट हमारे लॉस हो जाता है ज्वाइंट का मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं फिब्रोसिस एंकलोसिस। एंड यदि हमारे ज्वाइंट में इफ कंसिडरेबल डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कॉटलेज हैज अकर्ड द ज्वाइंट स्पेस इज कम्प्लीटली लॉस। यदि हमारा जो आर्टिकुलर कॉटलेज होता है डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, हमारे जो ज्वाइंट का स्पेस होता है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाता है। तो इट कैन ट्रांसवर्स बाई बोनी ट्रैवकली बिटवीन द बोन्स फॉर्मिंग ज्वाइंट। और वहाँ पर हमारे ट्रांसवर्स हो जाता है, मीन्स जो बोनी के ट्रैवकली होते हैं, तो वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, बोनी एंकलोसिस।
जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ज्वाइंट है, नॉर्मल ज्वाइंट है, ओके ये हमारा नॉर्मल है। तो इसके बीच में स्पेस है, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। पर हमारा जब भी फिब्रोसिस होता है, तो फिब्रोसिस एंकलोसिस में क्या होगा ये देखिए, यहाँ पे हमारा ज़्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे टिश्यूज़ हैं, सॉरी साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वो थिक हो गई है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है, तो इससे हमारा जो मूवमेंट है वो लॉस हो गया। नेक्स्ट इसमें बोनी एंकलोसिस है, इसमें क्या होता है कि हमारे टिश्यूज़ हो गए वो डिस्ट्रिक्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट होने के बाद कम्प्लीटली स्पेस होगा, वो बिल्कुल स्पेस ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारा मूवमेंट नहीं हो पाता है, इसे हम बोलते हैं बोनी एंकलोसिस। सो हम नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। सो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस साइड पे ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, किस साइड को अफेक्ट किया है, क्या पेशेंट की एज होती है और किस एरिया पे अफेक्टेड है। इसमें हम देखते हैं किस हाई इंडेक्स कहाँ सस्पेशन हो गया, तो हम डायग्नोस करने में इस डिजीज़ को देखते हैं कि क्या साइन सिम्टम्स हैं इसके, और ये जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो मिनिमली होते हैं, बहुत कम हमें जल्दी से पता नहीं चलते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। एंड इसकी जो हिस्ट्री होती है वो कोइंसिडेंटल होता है, मीन्स सडनली हमें पता चलता है इसके बारे में, और मतलब थोड़ा सा टाइम हो जाता है, ये अब तक स्प्रेड होती रहती है और हम लोगों को इसके साइन सिम्टम्स ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो स्पेस होता है थोड़ा सा वो कम हो जाता है, और इसमें जो हमारे सिम्टम्स होंगे, फीवर देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है एंड वेट लॉस होने लगता है। तो ओनली हमारे 20% केस होते हैं उनमें ही हमारे साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बट इसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मिनिमल साइन सिम्टम्स होते हैं। जैसे क्लिनिकल फीचर डिपेंड करता है हमारे साइड इफेक्ट पे, एज पे और बोथ सेक्स पे। एंड प्रेजेंटिंग कंप्लेन और पेन सैलोइंग डिफॉर्मिटी इनएबिलिटी टू यूज़ पार्ट। प्रेजेंटिंग हमारी कंप्लेन क्या होती है कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, पेन है, स्वेलिंग है और जॉइंट डिफॉर्मिटी है एंड इनेबिलिटी हो रही है उस पार्ट को मूवमेंट कराने में। दी सिम्टम्स एंड साइन आर ऑफन मिनिमल एंड नॉन स्पेसिफिक। उसके साइन सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। एंड सिम्टम्स लाइक देखने को मिलेंगे हमारा फीवर हो गया, लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया, वेट लॉस हो गया, ये हमारे 20% केस में हमें देखने को मिलेंगे। मेनली क्या हमें ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है पेशेंट की, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इससे हम ये नहीं मतलब बोल सकते हैं कि इस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस ही हुआ है, क्योंकि हमें एक्यूरेट पता नहीं होता है इस साइन सिम्टम्स के बारे में जब तक कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस नहीं करेंगे। तो डायग्नोसिस में हम देखते हैं क्या करते हैं ट्यूबरक्लोसिस का। सो इन्वेस्टिगेशन में हम एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट को डायग्नोस करेंगे, इसमें हम एक्सरे हो गया, MRI हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, और हम उसका जो भी ऑस्टियोमाइलाइटिस है, टीबी ऑस्टियोमाइलाइटिस है, टीबी अर्थराइटिस है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पेशेंट का एक्सरे से पता करते हैं। तो एक्सरे में जब हम उस एरिया का अफेक्ट, जिस एरिया पे अफेक्ट हुआ है, पेन है, स्वेलिंग है, उस एरिया को हम जो भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, डिफॉर्मिटी है जिस जॉइंट पे, तो उस जॉइंट का हम एक्सरे लेंगे। एक्सरे जो लेंगे वो हम एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यूज लेंगे, और फिर उसके बाद हम एक्सरे ले लिया, और जिससे हम दो एक हमारा जिस एरिया पे मीन्स सपोज कर लेते हैं हमारी राइट लेग में, हमारे राइट लेग में नी जॉइंट पे पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, डिफॉर्मिटी हो रहा है, तो हमने जो एक्सरे लिया है वो हमने राइट लेग का लिया है। एंड उस एक्सरे और फिर एक्सरे लेने के बाद हम जो हमारा लेफ्ट लेग है वो नॉर्मल है, नॉर्मल है, तो हम क्या करते हैं उस लेग का भी एक्सरे लेते हैं, फिर दोनों के एक्सरे को कंपैरिजन कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा हमें आइडिया लग सकता है, डायग्नोस कर सकते हैं इस पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। एंड टीबी ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है कि हम डिफाइन करते हैं कि हमारे टीबी ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है, हमारे जो बोन के टिश्यूज होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसमें हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि कोई पेशेंट है उसे टीबी ऑस्टियोमाइलाइटिस तो नहीं हुआ, ऑस्टियोमाइलाइटिस तो नहीं है तो उसको डायग्नोस करेंगे, या कोई अर्थराइटिस तो नहीं है पेशेंट को। अर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारे जॉइंट होते हैं उनका जो स्पेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, स्पेस हमारे आर्टिकुलर सरफेस के बीच में स्पेस कम हो जाता है, तो हमारा अर्थराइटिस होता है। तो हम ये डायग्नोस कर सकते हैं टीबी ऑस्टियोमाइलाइटिस है, टीबी अर्थराइटिस है पेशेंट को क्या है, तो एग्जामिन करने से ही पता चलेगा। एक्सरे एग्जामिनेशन इज अफेक्टेड पार्ट एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू एंड ये कंपैरिजन विद आइडेंटिकल एक्सरे ऑफ द अपोजिट लिम्ब, और इसे
एक्सरे को हम अपोजिट लिम से भी आइडेंटिफाई कंपैरिजन कर सकते हैं। टीबी ऑस्टियोमेलाइटिस में क्या होता है कि एट प्रेजेंट एज वेल डिफाइंड एरिया ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन। टीबी ऑस्टियोमेलाइटिस हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, जहाँ पे बोन डिस्ट्रक्ट हो जाती है। एंड टीबी आर्थराइटिस में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है जॉइंट स्पेस एंड आर्टिकुलर सर्फिस इरोजन हो जाती है एंड मार्क पेरी आर्टिकुलर रेयरफैक्शन। तो ये हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं, इन वे से हम एग्जामिन कर सकते हैं। अदर भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे ब्लड एग्जामिनेशन हो गया, सीरम एग्जामिनेशन हो गया एंड उसका कोल्ड एब्सेस जो फॉर्म हुआ है, पस फॉर्म हुआ, उसे एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये सारे भी थोड़े नेक्स्ट अदर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे कि हमारा अदर इन्वेस्टिगेशन ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, हमारे जो लेकोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं और एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, उनको एग्जामिन करेंगे एंड सीरम एलिसा में क्या होता है, सीरम ELISA, इसमें इस टेस्ट में हम क्या कहते हैं, जो हमारा एंटी माइक्रो बैक्टीरिया एंटीबॉडीज होती हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारा जो बैक्टीरिया है वो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस है, तो हमारी बॉडी में क्या हुआ, उसके एंटीबॉडीज फॉर्म हुई होंगी, तो उन एंटीबॉडीज़ को हम इस टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं, एंटी माइक्रो बैक्टीरियम एंटीबॉडीज़ को। एंड हमारा साइनोवियल फ्लूइड हम देखेंगे, साइनोवियल फ्लूइड को एग्जामिन करेंगे एंड कोल्ड एब्सेस को हम एग्जामिन करेंगे, जो पस फॉर्म हो जाता है, उस पस को हम बायोप्सी से नीडल से पस को निकाल के एग्जामिन करेंगे। एंड एक होता है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम अपने ग्रैनुलेशन टिश्यूज होते हैं उनकी बायोप्सी करेंगे और जो लीजन हो गया उस लीजन को हम एग्जामिन करेंगे। तो ये सारे अदर इन्वेस्टिगेशन होते हैं हमारे। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है। सो ट्रीटमेंट करने से पहले हमारे कुछ एम्स होते हैं, मीन्स गोल होता है हमारे ट्रीटमेंट करने का, कि जो भी पेशेंट है उसके हम जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसे हमें कंट्रोल करना है, जो भी पॉइंट बोन एंड जॉइंट पे हुआ है एंड हमारे जो भी पार्ट है जिससे पार्ट पे इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, उसकी केयरिंग करना है एंड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देने से पहले, कि हम पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि हमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना पड़े, मीन्स नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देना पड़े, जैसे कि हम सपोर्ट देते हैं, ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, हम स्प्रिंट का यूज़ करते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम एक कंजर्वेटिव मैथड, मीन्स कोई भी हम अपनी ऐसी डिवाइस का यूज़ करके सपोर्ट देते हैं, केयरिंग करते हैं पेशेंट की। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं प्रिंसिपल ट्रीटमेंट के, क्या है, कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शन, केयर ऑफ द डिजीज पार्ट एंड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। हम कंट्रोल कैसे करेंगे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास सबसे पहले होता है कि हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को। आप डायग्नोज कर लिया कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, किस बैक्टीरिया से ये प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया हमें मालूम चाहिए, तो हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स देंगे। एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स में हम जो देते हैं वो एंटी ट्यूबर ड्रग्स देते हैं और जिस भी पार्ट पे इन्फेक्शन हुआ है उसे रेस्ट कराएंगे, जिस भी अफेक्टेड पार्ट पे है, जैसे कि जो पेशेंट है उस पर रेजिस्टेंस ना पड़े, और एंटी ट्यूबर ड्रग देंगे। तो एंटी ट्यूबर ड्रग्स जो होते हैं उनके डोजेस देते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एंड उसको कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो उन साइड इफेक्ट को भी हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो आप ड्रग्स को ना लें। तो ड्रग्स जो होते हैं जैसे कि हमारे रिफॉर्मसिन है, आइसोनियाज़िड है, पायराज़िनामाइड है, थंबम्यूटॉल है, तो ये सारे ड्रग्स होते हैं वो हम लोग 3 मंथ तक पेशेंट को एडवाइस देते हैं, 3 मंथ तक आपको ये ड्रग्स लेने ही लेने हैं। तो उनके कुछ ड्रग्स जो हैं उनका कि किस डोज में हमें देना है वो भी होता है, जैसे कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है रिफॉर्मसिन हो गया, 10 mg पर kg मीन्स 600 mg, मीन्स हर एक 1 kg पेशेंट के 10 mg हमें देना है। तो पेशेंट सपोज कर लेते 60 kg का है तो हम उसे पेशेंट को 600 mg रिफॉर्मसिन देंगे, आइसोनियाज़िड देंगे 5 to 10 mg पर kg तो हम पेशेंट को 300 mg देंगे एंड पैराज़िनामाइड 25 mg पर kg देंगे एंड एथम्ब्यूटॉल होता 25 mg पर kg पेशेंट को देंगे। तो पेशेंट के वेट के अनुसार ही हम ड्रग्स को देते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है रेस्ट। तो रेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को हम जैसे पेन हो रहा है, पेशेंट जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे पेन हो रहा है, तो हम उस एरिया पे क्या करेंगे, पेशेंट को रेस्ट बोलने को बोलेंगे, उस अफेक्टेड पार्ट को रेस्ट करने को बोलेंगे। सपोज कर लेते अपर एक्सट्रीमिटीज़ में यदि हमारे ये अफेक्टेड हुआ है तो हम प्लास्टर स्लैब बोलेंगे, यदि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे हम
हमारे ये अफेक्ट हो तो हम ट्रैक्शन का अप्लाई कर देते हैं, बेड रेस्ट देते हैं पेशेंट को। यदि हमारे जो स्पाइन में ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो हम बेड रेस्ट देंगे, और नेक में हुआ है तो हम कॉलर जो होता है ब्रेस दे देते हैं, कॉलर बैंड होता है उसे हम एडवाइस देंगे पेशेंट को देने को। एंड पेशेंट पेशेंट को हमें क्या करता है कि जो रेजिस्टेंस पेशेंट को हो रहा है उसे हम बिल्डअप करना है, वो रेजिस्टेंस लगा सके। ऐसी डाइट प्लानिंग बनाएंगे, प्रोटीन डाइट हो गया, जिससे कि पेशेंट को एनर्जी मिले, हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो सके, एनर्जी हो पेशेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। रेस्ट में क्या है, रेस्ट ड्यूरिंग पेन प्रोसेस लेव अपर एक्सट्रीमिटीज, ट्रैक्शन अप्लाइड इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, बेड रेस्ट इन स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस एंड ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। मुल्ला पेशेंट रेजिस्टेंस टू गिवन ए हाई प्रोटीन डाइट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं केयर कैसे करेंगे जो भी अफेक्टेड पार्ट है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल है कंट्रोल इन्फेक्शन को करना एंड केयर डिजीज पार्ट एंड कंजर्वेटिव। तो हमने कंट्रोल इन्फेक्शन को आपको बता दिया है कैसे करना है, ट्यूबरक्लोसिस ड्रग देंगे हैं, रेस्ट देना है, और पेशेंट का रेजिस्टेंस है उसे बिल्डअप करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केयर ऑफ डिजीज पार्ट। केयर ऑफ डिजीज पार्ट में क्या करेंगे, जिस पार्ट पे हमारे अफेक्टेड हुआ है, डैमेज हुआ है, तो उसे हम प्रोटेक्शन देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, और हम जो भी जॉइंट है, कॉन्ट्रैक्चर हुआ, डिफॉर्मिटी है, तो उसे प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम एक्सरसाइज देंगे पेशेंट को फंक्शंस को रिगेन करने के लिए, जॉइंट को जो जॉइंट मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो उसमें हम प्रॉपर पोजिशनिंग पेशेंट को देंगे, पेशेंट की जो जॉइंट की पोजिशनिंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्चर है वो डब डब ना हो। मोबिलाइजेशन पेशेंट को देंगे, मोबिलाइजेशन में क्या होगा कि जो भी एक्सट्रीमली डैमेज होना, जिस पार्ट पे जॉइंट भी डैमेज हो गया, एंकलोसिस हो गया, एंड तो वहाँ पे जॉइंट पे एंकलोसिस है, तो हम उसे को फंक्शन से उसके रिगेन करने के लिए, फंक्शन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, तो जो भी कॉन्ट्रैक्चर है एंकलोसिस फॉर्म हुआ है तो वहाँ पे मोबिलाइजेशन देंगे, जिससे कि फिर से हमारे जॉइंट की डिफॉर्मिटी है वो कम हो सके और हमारा जॉइंट है वो मूवमेंट कर सके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पेशेंट को कराएंगे। एक्सरसाइज में क्या होगा कि पेशेंट को जो स्ट्रेंथ है एक्सरसाइज में वो बिल्डअप हो जाएगी, मूवमेंट फिर से दोबारा होने लगेंगे, मसल्स रीएजुकेशन कराएंगे एंड वेट बेयरिंग कराएंगे। वेट बेयरिंग क्या होता है कि हम पेशेंट को धीरे धीरे हम पेशेंट को वेट बेयरिंग कराएंगे, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशंस ना हो फिर से, क्योंकि सेकेंडली जो जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होने की वजह से टिश्यूज हमारे क्या रिटायर हो जाते हैं बोन के जो जॉइंट पे होते हैं, तो सेकेंडरी हो जाता है। यदि हमारा ट्यूबरक्लोसिस हुआ है और हम वेट बेयर नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट कोई डिजीज़ हो जाएगी, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को उस अफेक्टेड एरिया पे हमें ये केयर देनी होती है। तो ये फिजियोथेरेपी के काम होते हैं, कंट्रोल इन्फेक्शन को कराने के लिए और केयरिंग कराने के लिए अफेक्टेड पार्ट पे। नेक्स्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन में क्या होता है, ऑपरेटिव इंटरवेंशन में होंगे हम बायोप्सी पेशेंट को बोल रहे हैं कराने को। बायोप्सी में क्या होता है कि कोई भी डाउट होता है, जैसे कि हमें डायग्नोसिस क्लियर पता नहीं चलता है, तो हम उसमें नीडल एस्पिरेशन कराते हैं। नीडल एस्पिरेशन में क्या करते हैं कि जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, तो वहाँ पर लार्ज होते हैं स्वेल हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं तो वहाँ पर एक फ्लूइड पस फॉर्म हो जाता है, तो हम नीडल इंसर्ट करा के उस एरिया के थोड़ा सा जो फ्लूइड है उसे ले लेते हैं, उसे एग्जामिन करते हैं और उससे हमें पता चल जाता है, डायग्नोस कर लेते हैं। तो बायोप्सी कराते हैं एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एप्सिस। कोल्ड एप्सिस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हमारा जो पस फॉर्म हो जाता है, हीलिंग जहाँ पे डिजीज़ होती है, जहाँ पे जिस एरिया इन्फेक्टेड होता है कोल्ड एप्सिस, तो उसको हम इवैक्यूएट करते हैं, नीड होती है हमें सुएस्पेशन करने की। एंड नेक्स्ट हमारा है क्यूटेज ऑफ द लीजन। क्यूटेज कराते हैं लीजन का, जहाँ पे लीजन हुआ है, जॉइंट इन्फेक्टेड हुआ है, जो स्प्रेड हो गया हमारा, जो पस स्प्रेड हो गया, तो वहाँ पे लीजन उसने फॉर्म कर दिया, तो ये हमारा वहाँ पे ट्रीटमेंट के परफॉर्म में हम ऑपरेटिव इंटरवेंशन कराते हैं। जॉइंट डिब्रिडमेंट में क्या होता है कि हमारा जो जॉइंट होता है वो डिस्ट्रक्ट मॉडरेट जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वहाँ पर हम सर्जिकल रिमूव करते हैं उस एरिया को जहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और उसके जो नेक्रोटिक टिश्यूज होते हैं, मटेरियल होता है, उन्हें हम क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं उस एरिया से, जिससे कि हमारी हीलिंग प्रोसेस हो, वो अर्ली हीलिंग प्रोसेस हो सके और वहाँ पे रिकवरी हो सके जॉइंट के। एंड नेक्स्ट इज हमारा साइनोबैक्टोमी। साइनोबैक्टोमी क्या होता है, जो साइनोवियल ट्यूबर क्रोसिस हुआ होता है, तो वहाँ पर हम उसे हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं उस एरिया को, जिससे कि रिकवरी फास्ट हो सके। एंड नेक्स्ट इज डिकम्प्रेशन। डिकम्प्रेशन में क्या होता है कि हम जो स्पाइनल टीबी हो गया या सर्जिक
वहाँ स्पाइनल टीबी है या पैराप्लेजिया है तो वहाँ पे डिकम्प्रेशन स्पाइन में होता है, तो वहाँ पे हम डिकम्प्रेशन कराते हैं जिससे कि पेशेंट का जो सेकेंडरी स्पाइनल टीबी है और डिकम्प्रेशन है वो ना हो सके। तो ये सारे हमारे ट्रीटमेंट थे। तो जब भी हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन आता है, पॉट्स डिजीज आती है, पॉट्स पैराप्लेजिया आते हैं, तो उसमें भी हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वही ये सेम ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने ट्यूबरकुलोसिस का जनरल आइडिया बताया है। जब तक कि आपको बेस पता नहीं होगा कि ट्यूबरकुलोसिस होता है कैसे है, स्प्रेड कैसे करता है, जब तक कि आप नेक्स्ट हमारा पॉट्स डिजीज़ है और पॉट्स पैराप्लेजिया है जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, वो आपको नहीं समझ आएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ट्यूबरकुलोसिस जॉइंट में बोन में होता कैसे है, उसके बाद ही आप पॉट्स डिजीज के बारे में पढ़ें। थैंक यू सो मच। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कीप सपोर्ट मी एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।